हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो हम छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति के बारे में हम पढ़ रहे थे। लगभग 6 पार्ट अपलोड हो चुकी है, हमारा 7वां पार्ट है। तो जितने भी पार्ट हुए उसको देख लीजिएगा, कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए काम आएगा सेशन। तो छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्ज़ाम के आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप PSC मेंस की तैयारी कर रहे हों, चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस, छात्रावास अधीक्षक हो गया और प्रयोगशाला हो गया, सभी सिलेबस देखेंगे। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन हर एक एग्ज़ाम में, छत्तीसगढ़ के हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। ये हमारा 7वां पार्ट है। 6 पार्ट देखने के बाद ये 7वां पार्ट को देखिए। ज़्यादा बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाया है, कम से कम 15-20 मिनट का बना है। ज़्यादा यहाँ पर जो है नहीं बनाया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पिछले सेशन को जाके देख लीजिएगा, 115 क्वेश्चन मैं कवर करा चुका हूँ। 116 क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ में कौन सी जो जनजातियाँ हैं, छत्तीसगढ़ में कौन सी जो जनजाति है जो स्त्रियाँ बच्चे में जो है, बच्चे जो है खेत में पैदा करती है। तो बैगा जनजाति, बिंझवार जनजाति, बिरहोर जनजाति या भारिया जनजाति। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति, तो आपका भारिया जनजाति। भारिया जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ निवास, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, इन जिलों में जो है इन लोग निवास करते हैं। इनके निवास स्थान को ढाना कहा जाता है, याद रखिएगा। इन लोग को बोली कौन से प्रयोग करते हैं, भरनोटी या भारियाटी जैसे शब्द का इन लोग उपयोग करते हैं। इनके कुल देवता कौन है, तो बूढ़ा देव, नागदेव इनके कुल देवता है। और इसी जनजाति में जो स्त्रियां हैं, बच्चे जो है खेत में पैदा करती है। तो अलग अलग जनजातियों के अलग अलग यहाँ पर उनके जो संस्कृति होती है, अलग उनके बोली होती है। तो ये सभी देखने को यहाँ पे मिलता है। भारिया जनजाति में जो है सांप और मोर के मांस खाने में विशेषकर जो है रुचि लेते हैं। इसको याद रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन जो है पंडवानी गायक नहीं है। पंडवानी के बारे में कई बार पढ़ा चुका हूँ मैं, रट गए होगा अभी तक के। तो निम्न में से कौन जो है पंडवानी गायक नहीं है, तो झाड़ू राम देवांगन, लक्ष्मीबाई, पूना राम निषाद, बरसुराम जांगड़े। तीनमें से पूछा बोला जा रहा है कि कौन जो है पंडवानी गायक नहीं है बोला जा रहा है। तीन में से चार ऑप्शन है, तो इसमें बताना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बरसुराम जो जांगड़े, ये जो है पंडवानी गायक नहीं। बाकी झाड़ू राम देवांगन, लक्ष्मीबाई, पूना राम जो निषाद है, ये सभी जो है पंडवानी गायक हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ख्याति जो प्राप्त करने वाले कलाराम हैं, या आपके झाड़ू राम देवांगन हो गया, तीजन बाई हो गया, और आपका ऋतु वर्मा, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो है इनके कलाकार इनको माने जाते हैं। इसको याद रखना है। पंडवानी गायिका में जो तीजन बाई को जो है पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया है। इसको याद रखिएगा, जिसमें जो वेदमती शैली और कपालिक शैली पंडवानी के जो है ये दो जो शैली में यहाँ पे जो है प्रचलित है, जिसमें महाभारत के जो कथा का रूप जो छत्तीसगढ़ी लोक रूप पंडवानी यहाँ पे कहलाती है। इसके रचयिता कौन है, तो सब्बल सिंह चौहान ये इसके रचयिता हैं। और तो ये सभी को याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं हर साल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन जो है छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध नाचा मंडली नहीं है। कई बार नाचा मंडली की स्थापना के डेट भी बताया हूँ मैं। कोई छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध नाचा मंडली नहीं है, कोड़ार, कगदई, कासावही या आपका टेडेसरा। तो इसमें से प्रसिद्ध नाचा मंडली कौन सा नहीं, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोड़ार जो है छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध नाचा मंडली नहीं, बाकी कगदई, कासावही, टेडेसरा ये सभी जो है प्रसिद्ध नाचा मंडली है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सल्फी नामक जो पेय पदार्थ है किस जनजाति में अत्यधिक लोकप्रिय है। माड़िया जनजाति, कमार जनजाति, गोंड जनजाति या आपका हिल कोरबा जनजाति। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। माड़िया जनजाति में जो है सल्फी जो पेय पदार्थ है यहाँ पे जो है प्रचलित है, जिसको हम कोल्ड ड्रिंक के नाम से जानते हैं। तो ये जो है माड़िया जनजाति में, ये जो है गोड़ों की उपजाति भी है माड़िया जनजाति। छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करती है जनजाति, तो माड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ में जो है मुख्यतः बस्तर क्षेत्र में इन लोग निवास करते हैं। इन लोग जो है कृषि कौन से करते हैं, तो इन लोग जो है पेद्दा खेती जो है इन लोग करते हैं। सल्फी जो है इनका पेय पदार्थ है, तो इसको याद रखिएगा। अगर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में दूध लौटावा निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है। गोंड जनजाति, भारिया जनजाति, पहाड़ी कोरवा या बैगा जनजाति। तो दूध लौटावा जो विवाह है, अलग अलग जनजाति में अलग अलग विवाह होते हैं। जब जनजाति के बारे में पढ़ा रहा था उसमें बहुत सारे जो जनजाति विवाह के बारे में बताया, लगभग सभी जनजाति को उसमें बताया था।
तो दूध लौटावा जो विवाह है कौन से जनजाति में होती है, तो आपका गोंड जनजाति में देखने को मिलती है। और एक विवाह जिसको पायसोतुर विवाह कहते हैं उसी को अपहरण विवाह कहा जाता है। ये तो दोनों जो है, एक तो दूध लौटावा, पायसोतुर और अपहरण, ये तीनों जो है आपका जो है गोंड जनजाति में होता है। दूध लौटावा में क्या होता है, ये जिसमें खुद के रिलेटिव जिसमें बुआ ममेरे फुफेरे भाई बहन का विवाह के किया जाता है, तो इसको दूध लौटावा विवाह कहा जाता है। अपहरण या जो पायसोतुर विवाह है, जो इसमें जो है लड़का होता है लड़की को अपहरण करके भगा के शादी करता है, इसी को यहाँ पे अपहरण विवाह, इसी को यहाँ पे पायसोतुर विवाह यहाँ पे कहा जाता है। जिसको याद रखिएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी जो कबीर पंथियों में मृत्यु गीत के नाम से प्रचलित तीन गीतों में यह एक नहीं है, बंगला अजब, हरि के नाम, तरी लागे खांचा या चंघनिया। इसका जो करेक्ट आंसर, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंघनिया यहाँ पे जो है एक नहीं है। कहने का मतलब भाई, बंगला जब, हरि के नाम, तरी लागे खांचे, ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ी जो कबीर पंथियों में एक तरह की आपका मृत्यु गीत है, इसे के नाम से प्रचलित तीन गीतों में ये जो है आपका ये तीनों हैं, बाकी जो है आपका नहीं, उसी को यहाँ पे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेलकी एवं मोटियारी जो है किस जनजाति के युवा गृह के लड़के लड़कियों को कहते हैं, भुइया, मुड़िया, उरांव या गोंड जनजाति। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, मुड़िया जनजाति। चेलकी और मोटियारी जो है किस जनजाति के युवा गृह लड़के लड़कियों को कहते हैं, तो मुड़िया जनजाति के लड़के लड़कियों को यहाँ पे कहा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। और मुड़िया जनजाति के बारे में बस जो है मुड़िया जनजाति बस्तर संभाग के जो विशेषकर यहाँ की जनजाति है, विशेषकर ये जनजाति यहाँ पे निवास बस्तर संभाग के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की जो प्रसिद्ध गायिका है साधना यादव के स्वयं की संस्था का नाम क्या है, सोना बिहान, कारी, लोरिक चंदा, नवा बिहान। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नवा बिहान। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के जो प्रसिद्ध गायिका हैं, नाम सुने होंगे, साधना यादव पढ़े ही होंगे, ये स्वयं की जो है इनके जो संस्था है जो है नवा बिहान है। बाकी लोरिक चंदा, कारी, सोना बिहान के कई बार आपको बता चुका हूँ। तो ये जो है नवा जो बिहान है इनके जो प्रसिद्ध संस्था है, और जो गायिका है साधना जो यादव, ये हमारे छत्तीसगढ़ की जाने मानी लोक गायिका हैं साधना यादव जी। इसका जो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। सोना बिहान के संस्थापक कौन है जी, तो दाऊ महासी चंद्राकर जो इसके सोना बिहान के संस्थापक हैं। और लोरिक चंदा और आपका जो कारी है, इसको जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कल के सेशन नहीं देखोगे तो जाकर देख सकते, इसको बताया था मैंने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कबीर पंथ के जो वर्तमान आचार्य कौन हैं, प्रकाश मुनि साहब, भानु मुनि साहब, धर्मदास मुनि साहब या आनंद मुनि साहब। तो इसका जो करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा, कबीर पंथ के जो वर्तमान आचार्य प्रकाश मुनि साहब हैं, ये जो हमारे छत्तीसगढ़ से ही बिलोंग करते हैं। तो इसका प्रकाश मुनि साहब करेक्ट आंसर हो जाएगा, कबीर पंथ के वर्तमान आचार्य हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। प्रसिद्ध जो नाटक चरण दास चोर का सर्वाधिक सफल जो मंचन किसके निर्देशन में हुआ था, अशोक मिश्र जी, हबीब तनवीर, सफदर हाशमी, दाऊ रामचंद्र देशमुख जी। इसका जो करेक्ट आंसर हो, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, हबीब तनवीर। हबीब तनवीर को और किस नाम से जाना जाता है जी, ये जो है पद्मभूषण से इनको नवाजा गया है, हबीब तनवीर जी को। नया थिएटर और हिंदुस्तान थिएटर के ये जो है जो प्रमुख लोक संस्था के संस्थापक भी हैं हबीब तनवर जी, और साथ ही साथ जो है लेखक रचनाकार के लिए भी इनको जाना जाता है, छत्तीसगढ़ से ही हमारे बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन, और जो इनका रायपुर में जन्म भी होता, रायपुर 1923 में इनका रायपुर में ही जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महानदी का चित्रोत्पला जो नाम है किसके नाम पर पड़ा है, श्रृंगी ऋषि के प्रिय शिष्य होने के कारण, वाल्मीकि के प्रिय शिष्य के कारण, या गौतम ऋषि के प्रिय शिष्य है इसलिए, या पुलस्त्य ऋषि के प्रिय शिष्य के कारण। तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन जो है यहाँ पे महानदी का चित्रोत्पला नाम किसके नाम पे पड़ा है, इसका जो करेक्ट आंसर हो, इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो महानदी के जो चित्रोत्पला जो नाम है किसके नाम पे आपका जो है पड़ा है, तो श्रृंगी ऋषि के जो प्रिय शिष्य थे, कौन थे इनके शिष्य, चित्रोत्पला इनके शिष्य थे, और इन्हीं के नाम पे महानदी का नाम जो है चित्रोत्पला यहाँ पे पड़ा है। और महानदी को हम अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, जब छत्तीसगढ़ के जो नदी के बारे में पूरा डिटेल के साथ पढ़ा हुआ है तो उसको जाकर डिटेल से पढ़ सकते हैं, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कमार जनजाति का निवास क्षेत्र है रायपुर जिला, बिलासपुर जिला, बस्तर जिला या सरगुजा जिला। तो कमार जनजाति के बारे में बताया, तो पहले बात देखते हैं यहाँ पे जो कमार जनजाति है, कमार जनजाति ये जो छत्तीसगढ़ में निवास कहाँ कर, तो इसका जो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिलासपुर क्षेत्र के जो अंतर्गत इन लोग निवास करते हैं, आंशिक रूप से निवास करते हैं। और कमार जनजाति इनके जो प्रमुख कार्य है बाँस से संबंधित, बाँस शिल्प से संबंधित इन लोग काम करते हैं। इनके पंचायत जो प्रधान होता है इसको कुरहा बोला जाता है। सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कौन सी जनजाति है, ये आपका CGPSC प्रीमी भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका जो कमारी जनजाति है जो सर्वाधिक गोदना गोदवाती है, तो इसको याद रखना है। और रायपुर संभाग के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत भी ये आपका आती है। और घर में ये एक जो कमार जनजाति है इसमें एक जो प्रचलित है कि घर में जैसे मृत्यु, फैमिली मेम्बर का मृत्यु होने पे जो है घर का जो है लोग त्याग कर देते हैं। और इस जनजाति में घोड़ा छूना भी मनाही होता है, निषेध होता है कहने का मतलब है। तो इसका भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमार जनजाति बहुत बार क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट हो सकता है इसमें बताने की कोशिश करता हूँ। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी, इसलिए अभी कंटेंट पे मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ यहाँ पे आपके लिए। बस आपसे यही गुजारिश रहती है कि कम से कम जो है शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स सर्कल में जो क्लासेस वगैरह को। छत्तीसगढ़ की जो प्रसिद्ध लोक कला है सोनहा बिहान एवं लोरुक चंदा की प्रस्तुति निम्न में से किनके द्वारा की गई थी, दाऊ रामचंद्र देशमुख, दाऊ दुलार सिंह मंदरार जी, दाऊ महासी चंद्राकर या तीजन बाई। तो इसका जो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, दाऊ महासी चंद्राकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की जो प्रसिद्ध लोक कला अभी बताया था सोनहा बिहान लोरिक चंदा की जो प्रस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी, तो दाऊ महासी चंद्राकर जी द्वारा किया गया था। इनकी प्रमुख संस्था भी है, इनको जो है छत्तीसगढ़ में लोक कला के पुजारी भी इनको कहा जाता है। इनका जो जन्म है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में इनका जन्म हुआ भी था, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जनजाति के जो लोग हैं साहनी गुरु एवं गाहिरा गुरु के समाज के सुधार कार्यक्रम में बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं, मझवार, नगेशिया, उरांव या पारधी जनजाति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, नगेशिया जनजाति। नगेशिया जनजाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो इनका जो उत्पत्ति है नाग सर्प से जो है इस जनजाति की जो है उत्पत्ति हुई है। और छत्तीसगढ़ में सरगुजा, रायपुर, रायगढ़ इन जो जनजाति के लोग यहाँ पे जो है निवास करते हैं नगेशिया जनजाति के लोग। इन लोग की बोली को याद रखिएगा, तो नगेशिया जो जनजाति है कौन सी बोली का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा सदरी बोली का जो है प्रयोग इन्हीं लोग बोलते हैं नगेशिया जनजाति के लोग। इन लोग स्वयं को किसान भी कहते हैं, ऐसा इन लोगों का बोलना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ में भतरा जनजाति किस जिले में पाई जाती है, बिलासपुर, कवर्धा, कोरिया या बस्तर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, भतरा जनजाति। तो भतरा जनजाति जो है खास करके बस्तर संभाग में इन लोग निवास करती हैं। और भतरा जनजाति एक आदिम जनजाति है और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर में जो है इन लोग मतलब दक्षिण दिशा में जो है इन लोग निवास करते हैं। और एक इनकी जनजाति में इस जनजाति पे जो नाम पे आपका जो है भतरा नाट, याद रखिएगा भतरा नाट जो है प्रसिद्ध है, तो इसको याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जो 14वीं शताब्दी में जो है काकती वंश के जो संस्थापक है राजा अन्नम देव के साथ वारंगल के बस्तर ये लोग आए हुए थे। और इन लोग भी जो है भतरी भाषा का इन लोग उपयोग करते हैं। और जो भतरा का एक जो मतलब यहाँ पे जो है सेवक होता है, तो इसको याद रखना है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रसनवा जो पर्व है, अलग अलग जनजाति में अलग अलग उनके जो है संस्कृति पर्व होती है, उसी तरह रसनवा जो पर्व है किस जनजाति द्वारा बहुत रुचि से मनाया जाता है, तो गौंड जनजाति, बैगा जनजाति, भतरा जनजाति या कमार जनजाति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैगा जनजाति। रसनवा जो पर्व है बैगा जनजाति में मनाई जाती है। और उसी तरह देखेंगे गोंचा पर्व, ये आपका जो है माड़िया जनजाति मनाई जाती है। और बस्तर संभाग में आषाढ़ महीना में इसको मनाया जाता है। उसी तरह मेघनाथ पर्व देखेंगे तो ये आपके गौड़ जनजाति मनाई जाती है, फागुन के महीने में इसको मनाया जाता है। सरहुल त्यौहार उरांव जनजाति में चैत्र महीना के फूल आने पे इसको मनाया जाता है। माटी त्यौहार ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, गौड़ जनजाति मनाई जाती है, इसमें पृथ्वी देव की इसमें पूजा अर्चन वगैरह यहाँ पे किया जाता है। और बस्तर संभाग में इसको बहुत ही धूमधाम से यहाँ पे मनाई जाती है। इसी तरह ढेरसा पर्व हो गया,
कोरवा जनजाति मनाई जाती है, कृषि पर आधारित जो है फेस्टिवल है, तो ये सभी को याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में, आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छे लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा है तो कंटेंट में यहाँ पर प्रीवियस ईयर कोई भी एग्जाम के आप क्वेश्चन पेपर उठा कर देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।